नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण ब्लॉग और आज मैं हूं बिहार की राजधानी पटना फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 1 लाख रुपए से, यानी कि मात्र 1 लाख रुपए लगाकर आप इस बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और मुनाफे की बात करें तो इस बिजनेस में 75% तक का मुनाफा है। तो आइए हम इस बिजनेस के बारे में पूरी की पूरी हम डिटेल्स इस वीडियो में इस मैडम से लेने वाले हैं। इस मशीन के बारे में सारी की सारी जानकारी, कितने प्राइस तक हो जाएगा, कहाँ आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, इसकी वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, सब कुछ बारीकी से हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए हम मैडम से जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि जब इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। और जानकारी अच्छी लगती है तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और भी लोगों और बेरोजगार लोगों के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों के पास पहुँच सके और सबको इसका लाभ मिल सके। तो आइए बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। स्वागत है मैम हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप कौन से नए बिजनेस आइडियाज के बारे में जानकारी देने वाली है हमारे दर्शकों को, आप अपना परिचय दे दीजिएगा और फिर से बिजनेस आइडियाज के बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर, बहुत सारा वेलकम है हमारे कंपनी में आपका। फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट नंदलाल छपरा में, आपको मैं बार बार एड्रेस बताती हूँ कि आप कन्फ्यूज ना करें, बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट नंदलाल छपरा में। आज मैं सर आपको बताने वाली हूँ चाउमीन मशीन के बारे में। काफी मतलब फेमस चीज है, बहुत ज्यादा सर, सच में ये बहुत ज्यादा फेमस है, बच्चों को काफी पसंदीदा है, बच्चे बूढ़े। आपको नहीं है? बिल्कुल मुझे भी पसंद है सर। ये चाउमीन एक ऐसी चीज है जो हर स्ट्रीट पे, हर एक नुक्कड़ पे, हर एक रेस्टोरेंट में ये मिलती है। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो लेकिन चाउमीन की जरूर वो व्यवस्था रखते हैं, नूडल्स की व्यवस्था रखते हैं। तो ये रॉ नूडल्स बनाने के लिए आप बता रही हैं ना? हाँ जी, रॉ सर वो जो पैक हुआ मार्केट में मिलता है ना, वही वही के बारे में। हाँ जी, तो कैसे इसका थोड़ा सा आप प्रोसेस समझाएंगे मैम, कैसे इसमें होता है? सर जैसे ये आपको देख रहे हैं, ये कटर मशीन है, ठीक है। इसमें सर यहाँ हम लोग मिक्सिंग रखते हैं जो आटा या मैदा, आटा जो कुछ के हमने रखा हुआ। हाँ जी, आटा का बनाइए, मैदा का बनाइए, बहुत मैदा के बनाते हैं लेकिन मैदा से ज्यादा पौष्टिक न्यूट्रिशियस जो होता है वो आटे का होता है। और हमारे मशीन में सर आप आटे की भी नूडल्स बना सकते हैं। आटे के भी बना सकते हैं? हाँ जी, आटे की भी बना सकते हैं और सेम चीज रहेगा, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। यहाँ पे सर हम लोग आटे को रखते हैं मिक्सिंग करके और ये यहाँ से कटिंग होते हुए निकलती है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। जी जी, आप जो वीडियो हमारा चल रहा है दोस्तों उसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये निकल रहा है कट के, और ऐसे यहाँ से ये निकलता है। इसके बाद इसको हम लोग स्टीम करते हैं। स्टीम करने के लिए इसमें? जी, ये स्टीमर मशीन है सर। जी, ये स्टीमर मशीन है, इसमें हम लोग स्टीम करते हैं। तो ये आपका स्टीमर है, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है या गैस? सर ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है, दोनों से रन। हाँ जी, और ये मशीन के बारे में बात करेंगे, ये क्या, ये गैस से करता सर, है? सर नहीं, ये इलेक्ट्रिक वाली है। कितने एचपी का? इसमें सर 1 HP का मोटर होता है। 1 HP का मोटर? हाँ जी, इसमें 1 HP का मोटर। कैपेसिटी क्या है मैम? सर ये आपको प्रोडक्शन का बात किया जाए तो 1 घंटे में इसका 200 से 300 किलो का प्रोडक्शन है। तो फिर स्टीमर का जरूरत कहाँ पड़ जाता है मैम? सर जैसे ही हम नूडल, इसमें सर सिर्फ कटिंग होता है। कटिंग होता है? हाँ, तो कटिंग होने के बाद सर नूडल्स को क्या करते हैं ना, बॉयल करना पड़ता है। तो बॉयल करने के लिए यानी स्टीम कर कहना, उसे भापना कहते हैं। तो उसके लिए सर आप इस मशीन को भी ले जा सकते हैं। हाँ जी, इसमें व्यवस्था है स्टीमर की, गैस का भी व्यवस्था है और इलेक्ट्रिक की भी होती है सर। हाँ जी, ये गैस वाली है, इसके नीचे गैस रहता है, पानी रहता है इसमें, इससे बॉयल होता है। जब नूडल्स बॉयल हो जाते हैं तो उसको ड्राई करना होता है। ड्राई करने के लिए आप रूम ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको डिमांड है तो हम आपको ड्रायर भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो मैम दोनों का हम कैपेसिटी आपने कितना बताया इसका मैम? क्या सर ये 1 HP का मोटर है इसमें? ठीक है मैम, कितना प्रोडक्शन? और इसका प्रोडक्शन का मैंने जैसे बताया कि 200 से 300 किलो इसका घंटे का प्रोडक्शन है। घंटे का? हाँ जी, 1 घंटे में 200 से 300 किलो प्रोडक्शन कर सकता है। और उसके अलावा मैं प्राइस पर आना चाहूंगा कि प्राइस इस दोनों का क्या होगा? सर ये दो मशीन के अलावा एक और मशीन है, जैसे अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं खुद से आटे को गूंथूंगा नहीं और मुझे मिक्सिंग करने के लिए चाहिए, तो ये मिक्सर मशीन होती है सर। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में देखा था ना मैं? जी सर जी, ये मिक्सर मशीन है। इसको हम बाकी चीजों की मिक्सिंग, जैसे कि हमने अब बात की थी कि अगर किसी को मिक्सचर बनाना हो तो उसमें भी मिक्सिंग मशीन का यूज कर सकता जी, है जी, जी। उसी तरह आप चाउमीन में भी मिक्सिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। इसमें आटे को गूंथा जाता है और आफ्टर दैट इससे कटिंग होती है, एंड उसके बाद आप उसको बॉयल करते हैं, स्टीम करते हैं, और अगर आप चाहें तो रूम ड्रायर का यूज़ करके उसको सुखा सकते हैं, नहीं तो आप
ड्रायर बोलिएगा तो हम ड्रायर भी आपको अवेलेबल करा सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट का मानना होता है कि जो ड्रायर होता है वो रूम ड्रायर बेटर होता है, क्योंकि पापड़ हो या चाउमीन हो उसको सुखाने के लिए रूम ड्रायर सबसे अच्छा हीट वाला होता है। तो मैम इन सब के प्राइस के बारे में मैं आना चाहूँगा, इनका प्राइस क्या हो जाएगा? सर ये पूरा सेटअप 1 लाख का है। 1 लाख का पहली बार रॉ मटेरियल भी आप देती हैं क्या इसमें? सर इसकी रॉ मटेरियल क्या होगी आप ही बता दो हमें, मतलब आप अवेलेबल कराती हैं? नहीं कराती। हाँ सर मैं आटे खरीद के दे दूंगी। बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं पूछ रहा था। जी सर मैं आटा खरीद के दे दूंगी। तो आप रॉ मटेरियल की बात कर दी आपने, ये तो मतलब कि तो पहली बार जब हम सेटअप करेंगे तो 1 लाख रुपए पूरा सर्विस चार्ज के साथ? हाँ जी हाँ जी, पूरे चार्ज के साथ 1 लाख रुपए में तीनों मशीन में दे दूंगी। ये तीनों मशीन 1 लाख रुपए में हैंडओवर कर दी जाएगी, उसके बाद आपकी सर्विसिंग वगैरह की जो भी है वो इस कंपनी की तरफ से फ्री रहेगी, इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग के कोई चार्ज नहीं ली जाएगी। बाय द वे डिफेक्शन अगर होता है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर तो फिर क्या आप करेंगे? सर वो भी सर्विसिंग कराई जाएगी, उसके भी कोई चार्ज नहीं लगती है, वो टेक्नीशियन जाता है और मशीनों के करते हैं। कितने दिन तक आप सर्विस फ्री देंगी? 1 साल 365 दिन। 365 दिन? हाँ जी पूरे 365 दिन। बाय द वे यदि मैं आज मशीन लेके जाता हूँ और मुझे मैं कल भूल गया कि उसको कैसे प्रोडक्शन करना है या 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद, तो उस समय में आप में हमारी क्या हेल्प करेंगी मैम? उस समय भी सर हम आपको टेक्नीशियन प्रोवाइड करेंगे, वो भी हम करेंगे और हमारा टेक्नीशियन जो जाएगा फिर से आपको ट्रेनिंग देगा। सर देखिए आप जितना लेट सीखिएगा आपका बिजनेस उतना ही लेट शुरू होता है, हमें माइंड हरदम सेट करके रखना होता है। बिजनेस हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा, तो मेहनत भी हमारी है और प्रॉफिट भी हमारा है। ये चीज़ मार्केट में कभी भी सोच के निकलिएगा सर, कभी लॉस नहीं होगा और मार्केट तो सेल पकड़ना ही है। जहाँ तक मैं सर सेल की और मुनाफे की बात करती हूँ, तो 1 किलो चाउमीन जो आप लेते हैं वो कम से कम 55 से 60 रुपये का पैकेट आता है, 750 का पैकेट 45 रुपीज़ का आता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग करने में सर 15 से 18 रुपये का खर्चा पड़ता है। 1 किलो आटे का दाम 30 रुपया और 1 किलो में आप 10 किलो मटेरियल रेडी करके निकालते हो, तो सर 30 रुपये में आप 300 रुपये का मटेरियल रेडी करते हो, जो कि आप पैकिंग करते हो तो 1 किलो की पैकिंग तो जनरली नहीं होती है, 750 की पैकिंग होती है जो 45 रुपये लिखा रहता है। आप कोई भी शॉप से एक चाउमीन का पैकेट खरीद के दोस्तों देख सकते हो कि उस पर 750 किलो लिखा है, सॉरी 750 ग्राम लिखा है और उस पर प्रिंटिंग है 45 रुपीज़ 50 रुपीज़ का प्रिंटिंग है। इट मीन्स कि एक चाउमीन पे 1 किलो चाउमीन बनाने में आपको 15 रुपये अगर खर्च होता है, 18 रुपये खर्च होता है, तो उसको सेलिंग आप 50 रुपये में करते हो, तो दोस्तों मार्जिन की मैं बात करूँ तो आप खुद ही देख लो कि 25 से 30% का मार्जिन इजीली आपको मिल जाता है। इसको ऑपरेट करने के लिए कितने मैन पावर चाहिए ये भी आप बता दीजिएगा? सर एक ही बंदा इसमें मिक्सिंग करके उसके बाद यहाँ कटिंग को ऑपरेट कर सकता है, और चूंकि ये प्रोसेस 1 बाय 1 होता है, एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए उसके बाद वो बॉइलिंग का भी काम खुद ही कर सकता है, उसके बाद वो बंदा पैकिंग भी कर सकता है। कितने जगह की जरूरत होगी? सर इस पूरे सेटअप के लिए आपको 15 बाय 10 का रूम काफ़ी इनफ है। आपने इस वीडियो में इतनी अच्छी यूनिक आइडियाज दी, इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताए हुए बिजनेस आइडियाज और मेरे कंपनी का जो व्यू है, जो हमारी कंपनी का जो थिंकिंग है वो आपको पसंद आए। उम्मीद इसी उम्मीद के साथ मैं आपके और हमारे कोऑपरेशन, हमारे और आपके कोऑपरेशन के थ्रू इस बिजनेस को और आगे ले जाऊं और अपने बिहार से और अपने भारत से बेरोजगारी मिटा सकूं, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आप सबका बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस को लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।